दिल्ली की 10 सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कमाल करने वाले इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी भी तालमेल नहीं हो पाया है। वजह साफ है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है उनमें 5 सीटों पर सपा का कब्जा है, जबकि बाकी 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर आरएलडी और 1 पर निषाद पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस गठबंधन की दुहाई देकर सपा से 5 सीटों की मांग कर रही है, जिन सीटों पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का कब्जा है। 4 जून के नतीजे आने के बाद से ही उपचुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय है और हर सीट पर खुद मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हैं और प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनमें मीरापुर और मझुआ जैसी सीटें भी शामिल हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी का आगाज तो बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन के तहत कितनी सीटें देंगे ये पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं कांग्रेस भी 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर चुकी है और सभी चुनाव वाली सीटों पर आने वाले समय में संविधान बचाओ सम्मेलन का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस यूपी में 6 लोकसभा सीट जीतने के बाद काफी उत्साहित है और उसे लग रहा है कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं में अभी बना हुआ है उसे बढ़ाकर पहले उपचुनाव में और फिर 2027 तक ले जाया जाए। लेकिन कांग्रेस को ये याद रखना होगा कि 2022 में अकेले लड़कर महज 2 विधानसभा सीट ही जीत पाई थी और मात्र 2.25% के करीब वोट ही मिला था। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों पर लड़ने की मांग तो कर सकती है, लेकिन उसके पास जमीन पर बहुत कुछ जीत में बदलने वाले सियासी समीकरण नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से अब कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें उनका फोकस दलित और मुसलमानों पर है। साथ ही संविधान बचाने का ऐलान अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अकेले और बसपा के साथ भी लड़कर लोकसभा के 2 चुनाव में देख चुके हैं कि जो सफलता इस बार कांग्रेस के साथ खड़े होकर मिली है ऐसी सफलता आज तक सपा के इतिहास में नहीं मिली। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को साथ रखना उनकी मजबूरी भी होता जा रहा है और कांग्रेस ने जिस तरह से मीरापुर, मुस्लिम बाहुल्य, खैर मझुआ और फूलपुर जैसी दलित बाहुल्य वाली सीटों पर दावा ठोका है उसने अखिलेश यादव को या कहें समाजवादी पार्टी को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि जो माहौल इस वक्त बीजेपी के खिलाफ है उसमें दलित और मुस्लिम समुदाय के वोटों का बड़ा योगदान है। ऐसे में अखिलेश यादव सपा को दलित और मुस्लिम विरोधी के तौर पर नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए अखिलेश यादव अभी अपने दांव नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस मजबूत होती है या कमजोर उसके बाद ही अखिलेश यादव तय करेंगे कि वो कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में वही हाल करें जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और हरियाणा में किया। साथ ही अखिलेश इस बात पर भी नजर बनाए हुए हैं के महाराष्ट्र में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा को महाविकास अघाड़ी कितना महत्व देता है, क्योंकि 12 सीटें मांगने वाली सपा को कांग्रेस वहां कितनी सीटें देती है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के सामने वही दांव है जो 27 में सपा को यूपी में दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर सपा अलग लड़ी तो वोटों का बंटवारा कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस और सपा में सीधे तौर पर कोई भी नेता कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही पार्टियों की नज़र मुस्लिम और दलित वोटों पर है। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद है। यही वजह है कि 2027 के सेमीफाइनल कहे जाने वाले उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी कोई सेट फार्मूला सामने नहीं आया है, और अब जब हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे उसी आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तालमेल बैठाया जाएगा और उसी के आधार पर 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव की राह तय की जाएगी।